हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि किचन में जैसे बहुत सारे डब्बे होते हैं, लेकिन अगर वो बहुत सारे लोगों के किचन ओपन होता है, उसमें अलमीरा नहीं होता है, तो क्या होता है कि डब्बे गंदे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। तो मैं आज इस नेट के दुपट्टे से आप लोग को कुछ बनाकर बता रही हूँ, जिससे डब्बे भी गंदे नहीं होंगे और चिपचिपे नहीं होंगे और किचन भी आपका बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी नेट का दुपट्टा ले लेंगे। जैसे मेरे पास ये नेट का दुपट्टा का बाकी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये इतना बचा हुआ है। तो और आपके जो भी डब्बे के लिए बनाना है उस डब्बे को ले लेंगे और उसका नाप ले लेंगे। जैसे ये दुपट्टा है तो कम से कम इसे इतना होना चाहिए, ज़्यादा इस तरह से ऐसे नाप ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, एक मिनट, सुई धागा लीजिए, इस तरह से कर लोगे ऐसे। अपने आप अंदाज से करते जाओगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई मेहनत नहीं है। और इसे खींच, ये हमारा अभी इस तरह से हो। अब इन दोनों को जोड़ दो इस तरह। देखो इसे इस तरह से जोड़ लिए, ये जुड़ गया। अब क्या करना है, कोई पतला सा गोटा लेना है आपको और करीब अंदाज से इसे ले ले। और इसमें ऐसे फ्लावर जैसा बना दे आप। और कोई भी डब्बा ले उसको ढक दे, इससे आपका किचन भी सुंदर हो जाएगा लगेगा और सारे एक जैसे भी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो देखो ये नेट के दुपट्टे से कितना सुंदर बन गया, और ऐसे ही सारे डब्बे एक जैसे दिखे तो कितना अच्छा लगेगा किचन। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय।